वेलकम टू एफएस एंटरटेनमेंट। हम है मुकादम एग्रो गोड फार्म पे जो पिंपलास गांव में है, विजय भाई के साथ में। गुड मॉर्निंग विजय भाई। गुड मॉर्निंग भाई। अभी हम क्या देख रहे हैं, आपके पर्सनल बकरिया जो है फीमेल है, सारे सेल के लिए। हैदराबादी है, हैदराबादी और 300 जो थे खाली है, सब खाली है। उसमें पट है और जो पट है और एक आठ दांत पे और सोजत की, तीनों आठ दांत, तीनों सोजत आठ दांत, तो भी खाली है और क्वालिटी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनके अंदर जो कान देखे जाते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी के कान हैं इनके, रोमन नोज जो बोलते हैं, गुलाबी में माशाल्लाह। क्या बोलते हैं इनको, रोमन, रोमन नोज, रोमन नोज जो नाक रहती है। ओके, ये पट है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ये पहली है, पट है ना ये, और खाली है, अभी तक लगी नहीं है। कितने महीने की होंगी ये रहेगी? 15 महीने की रहेगी। 15-1 महीने की रहेंगी। जैसे कि दो दांत के बाद, मैं आपने बताया कि दो दांत के बाद लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको अभी टाइम है फिलहाल, मतलब जब होने पे है। ये हो गई है दो दांत, अभी ये क्रॉसिंग करेंगे, मतलब क्रॉसिंग कर सकते हैं, हिट पे आएगी तो अभी क्रॉसिंग कर लेंगे। ओके, तो इसका आप क्या प्राइस मांग रहे हो? 50,000 की पट्टी के हिसाब से। तो ये इतने, ये क्यों इनका रेट ज्यादा क्यों इतना? ये हैदराबादी है ना, हैदराबादी का मतलब रीजन क्या है? इतना मिल नहीं रहे, शॉर्टेज है क्योंकि ये क्वालिटी रहती है, ये एक हिसाब से। ओके, क्वालिटी के हिसाब से छोड़ दो जरा। माशाल्लाह, क्या वेट पे होंगे ये तो बकरों के ऐसा लड़ रहे हैं? क्या वेट होंगे ये? 40 केजी के आसपास। 40 केजी के आसपास। दूसरी हम दिखाते हैं इनको, आगे ले लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा ले लो ना सर। ये सेकंड है, ये सेकंड है, एक्चुअली जनी हुई है अपने पास। हाँ, एक बार जनी है। हाँ, एक बार जनी है। ओके, तो इनमें उनके जो आंचल है वो भी देखे जाते क्या? हाँ, आंचल बकरियों में मोस्टली दूध ही देखा जाता है, क्योंकि दूध ज्यादा रहेगा तो वो हिसाब से। और सबसे ज्यादा ब्रीड जो रहती है दूध देने वाली कौन सी है इसमें? हैदराबाद का नाम आता है क्या? नहीं, हैदराबादी का नाम नहीं आता है, बिटल करके बकरी रहती है। हाँ, वो बहुत दूध रहता है। ओके, एक एक टाइम का 1.5 लीटर के आसपास की रहती है। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा है। इनमें जो है अभी ये कितने दांत हुई है? ये भी दो दांत ही रहेगी। दो दांत हुई है और एक बार अपने पास जन चुकी है। ओके, अभी से लग गई थी अपने पास, एक सोजत नाटिया बकरा है। हाँ, उससे लग गई थी। अच्छा, तो उसकी वजह से वो उसकी वजह से। ओके, पूरी है। तो अभी फिलहाल वापस से हीट पे आने के लिए कितना टाइम लेती है? अभी ये महीना तो आराम से ले, एक महीना पूरा लेंगी अभी। तो इसका बच्चा है या दो बच्चे डाली है फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम में दो बच्चे डाली है, तो ये अच्छा रिजल्ट माना जाता है। बराबर, ठीक है, हम तीसरी बच्चे। अच्छा, इसके भी मतलब पट्टी सबका सेम रेट है, 50,000। ठीक है, हम तीसरी बकरी देखते हैं फिर। और ये क्या आप कान की इंचेस में कुछ ये होती है ना, काउंट होता है? कान की इंचेस में रहता है इनका। हाँ, तो कितने इंच के है कान? माशाल्लाह, इसके तो बहुत बड़े हैं, तो ये 16 के आसपास के कान रहेंगे। माशाल्लाह, आराम से 16 के रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा है। और गुलाबी ये कान जो है ना, ये जी एक गीला दाना रहता है मेरा। हाँ हाँ, इसलिए थोड़े खराब हुए। हाँ, तो वो एक्चुअली में चिपक जाते हैं सूखने के बाद में, फिर उसी को चबाते रहते हैं। बड़े बड़े कान है ना, उसी को उन्होंने दबाया है बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। माशाल्लाह, ये भी आदम पे है? नहीं, ये भी दो दांत पे रहेगी। दो दांत की होंगी। हैदराबादी को फीमेल को इतनी शॉर्ट हाइट रहती है क्या? नहीं, ये इसका ही सिर्फ हाइट का, नहीं तो प्रॉपर साइज में, प्रॉपर साइज में बाकी का, तो मतलब जैसे जैसे अभी हाइट ज्यादा बड़े है, हाइट बढ़ेगी भी ना अभी इनकी, हाइट बढ़ेगी ना। अच्छा, ठीक है, हम तीसरी देखते, चौथी देखते हैं, थर्ड टी है। और टोटल कितने हैं आपने बोले? 6 बकरियां। 6 बकरियां है। और ये जो है दोनों, ये जो है ये आठ दांत पे, ये आठ दांत पे दो बच्चे डालती है ये भी। माशाल्लाह, आपके पास दे चुकी है इससे पहले? हाँ, वो दांत, हाँ दांत गिरा दिए लो ना, तो आपके पास इससे पहले बच्चे दे चुकी है ये? इससे पहले इसके दो बैच हो चुके हैं पास। कितने टाइम से आपके पास है बकरियां? ये मेरे पास, ये तो मैंने अभी लास्ट मार्च में खरीदी थी। हाँ, जो पट्टी का हिसाब है ये टोटल 50,000 रुपीज है। इसमें नेगोशिएट हो जाएगा? नेगोशिएट कुछ भी नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो रीजनेबल रेट ही बोले आपने। रिजनेबल एक्चुअल में थोड़ा सा मेरे को लगा कि थोड़ा सा आप कर देते तो इंशाल्लाह आ जाता। आप बोलते हैं ना तो थोड़ा बहुत कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। इसका क्या डिटेल है कान? ये भी दो दांत ही रहेगी।
कान इसके इसके 15 के आसपास के कान रहेंगे। 15 के कान रहेंगे, 14 से 16 के बीच में कान रहेंगे सबके। ओके, सिर्फ एक जो बकरी नहीं है 8-10 के, इसके 13 तक के रहेंगे, इसके 13 बाकी सबके 15 के आसपास है, 15 के आसपास कान है। माशाल्लाह कान भी अच्छे है, क्वालिटी भी बकरियों की अच्छी है, और हाइट भी इंशाल्लाह निकालेंगे जैसे जैसे इनकी एज होंगी। मतलब पट की सबसे बहुत ही हेल्दी है। हाँ, ये माशाल्लाह हेल्दी है, और एक्चुअली में ज्यादा हेल्दी होना नहीं चाहिए, अभी आपने बताया थे कि वो एकदम फैट बढ़ाने लग जाएंगे ना, फिर तो मसल से ठीक है, फैट्स, हाँ फैट्स बढ़ने लग जाएंगे तो फिर वो होता है कि अंदर कभी कभार बांझ होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये जो ये बकरिया है ना, ये नामचीन अपना गोट फार्म है, 210 गोट फार्म, अच्छा उधर का माल है। ओके, बट ठीक तभी लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, 3-3 महीने की बट रहेंगे तब लिया, तो उनके पास से लिए थे जब। और उसके बाद में अपने पास ब्रीडर है इसके लिए? नहीं, इसके लिए ब्रीडर नहीं, इसीलिए इनको सेल कर रहा हूँ। ओके, ये तो इनको रिप्लेस करके पतीरा ही भरने का, पतीरा सब भरने के। ज़्यादातर आपके वैसे भी सोचो तो पतीरा का बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप है, माशाल्लाह बहुत सारी बकरियाँ है। चलेगा ठीक है, आपका एक बार नंबर बता दीजिए किस पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और 3 बकरियाँ है, बता देना इसके बाद में, आप नंबर बता दीजिए आपका। 7083777938 ये मेरा कॉलिंग का नंबर रहेगा। ओके, और 7875854700 ये मेरा व्हाट्सअप वाला नंबर, व्हाट्सअप के लिए ये दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, अब दूसरे जो सोचे थे हम वो देख लेते, कि 6 बकरियाँ हमने देख लिए। सोजत जो है ये भी लगी हुई है, ये खाली है, ये भी खाली है। और क्या डिटेल्स है इनकी? ये 8 दांत पे है, 8 दांत पे। इन सबके बाल निकाल चुके थे क्या? नहीं, इनके नहीं निकाले, ये बाद में आया हुआ माल है। ओके, कस्टमर का माल है एक्चुअली ये। ओके, तो वो सेल करना है अपने अंडर है, तो इनका अपन प्राइसिंग बता सकते हो? क्या प्राइस है ये? 10,000 की पट्टी से दे देंगे अपने, खाली है। ओके, तीनों खाली है, 10,000 की पट्टी से दे देंगे। ओके, इसको खड़ी करो ना थोड़ा, चला आप गाड़ी दिखा दो। और क्या क्या दांत पे बोले आपने? 8 दांत पे, तीनों 8 दांत पे, तीनों 8 दांत पे। और यहाँ पे ये बच्चे दिए उन्होंने? नहीं, बच्चे नहीं दिए यार, यहाँ पे बच्चे नहीं दिए। तो ये लगे नहीं है या लगाए नहीं है उन्होंने? नहीं, लगी नहीं है। ओके, हीट पे नहीं आई अभी तक? नहीं, हीट पे नहीं, मतलब हीट पे आई है, वो लगाई नहीं है। अच्छा, तो इनके पास ये भी सोजत, आप सोजत से लगाते हो या पतीरा? वो जो बच्चा जो अपना पतीरा वहाँ पे जो ब्रीडर था, हाँ वही रहता है, ये पूरा कंपार्टमेंट वो घूमता रहता है। अच्छा, वो एक ही बकरे से लगाते हैं। और वो कितने साल से आपके पास? ये 3.5 साल हो गए अपने, वो ये 3.5-4 साल से आपके पास ही है। और रिजल्ट भी माशाल्लाह अच्छा है, मैं देखा जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने देखे कि उसके अंदर रिजल्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिया है उसने। तो ये भी नेगोशिएट हो जाएगा, ये फाइनल 10,000 रुपये प्राइस रहेगा, ये 10,000 रुपये प्राइस रहेगा। ओके ठीक है, तो जिस चीज भी चाहिए आपके आपके आपको ही कॉन्टेक्ट करेंगे? हाँ, मेरे को ही। ठीक है, चलिए नंबर मैं नीचे दे दूंगा। और ये फार्म जो लोकेटेड है पिंपलास गांव के अंदर है, और मुकुंदी बाईपास से नियर बाय है। ओके, 5-6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर अंदर है। ठीक है, तो कांटेक्ट करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप तो यहीं पे रहते हो ना, मतलब जब भी आएंगे कांटेक्ट करके आएंगे? कांटेक्ट करके, सिर्फ कांटेक्ट करके आना बस, बाकी कुछ ठीक है। चलेगा, तो जिस किसी को भी चाहिए वो स्क्रीनशॉट निकाल के इनको भेज सकते हो व्हाट्सअप के ऊपर। और जो भी है अगर देखना चाहेंगे तो पिंपलास गाँव में आके सामने से देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुक्रिया।